ब्रो, व्हाट हैपेंड? भूल गया वो अपमान? तो इसका मतलब ढिंडोरा तेरी टॉप 10 की लिस्ट में होने वाली है? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुझे ही पता है नंबर 1 कौन सी होने वाली है। ढिंडोरा? तो पागल वागल हो क्या? बॉलीवुड एल्बम है क्या ढिंडोरा? अरे यार तू भी, मतलब मजाक था भाई वो। शपथ लेता हूँ तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा अब से। अरे हाय, सो वेलकम टू द ढिंडोरा रिव्यू गाइज। बिकॉज ऑफ इमेंस प्रेशर ऑफ जनता, नो प्रेशर एट ऑल, गुड। देखो भाई, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी ढिंडोरा एल्बम का रिव्यू करवाने की। पता नहीं क्या ही आ गया है ढिंडोरा एल्बम में। ढिंडोरा एल्बम है भी। व्हाइल आई वाज मेकिंग द टॉप 10 एल्बम्स ऑफ 2021, मैंने ये नोटिस किया था कि काफी सारे लोग मतलब बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है ढिंडोरा। ढिंडोरा जो ओवरऑल चीज है उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिव्यू कर ही दिया जाए, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, दैट आई माइट बी मिसिंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक, और दूसरा रीजन ये था कि व्यूज ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट है, विच इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस वीडियो। ऑब्वियसली आई एम हंग्री ऑफ व्यूज। मैंने सोचा यार कर ही देते हैं रिव्यू, जब इतना ढिंडोरा बजा रहे हैं लोग तो हम भी ढिंडोरा बजा ही लेते हैं। सो आई रिसर्च्ड अबाउट दिस एल्बम, तो मैंने ये पाया कि इस एल्बम में 6 साउंड ट्रैक्स हैं जिसमें कि 2 गाने विदाउट वोकल्स हैं, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर उन गानों को यूज किया गया है। तो उनमें से एक है पापा एमकेसी थीम। एमकेसी का मतलब बांका चूर। और दूसरा है टंग 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 टंग। अगर आप लोग बीबी की वाइंस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सी ट्यून है। दिस ट्यून इज द थीम ट्यून बेसिकली, विच इज मॉडिफाइड इन दिस वेब सीरीज, और इस ट्यून को एक प्रॉपर साउंड ट्रैक में बदला गया है इस वेब सीरीज के लिए। और जो बाकी के 4 गाने हैं वो प्रॉपर वोकलाइज सॉन्ग्स हैं, उनमें वोकल्स हैं, लिरिक्स हैं और ट्यून्स हैं एंड ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट ढिंडोरा साउंड ट्रैक। अब देखते हैं इन गानों को एक एक करके। फर्स्ट लेट मी गिव अ शाउट आउट टू द इंट्रो सॉन्ग ऑफ ढिंडोरा एपिसोड, जो ढिंडोरा एपिसोड के इंट्रो में बसती थी ट्यून। दैट ट्यून इज एक्चुअली वेरी गुड एंड कैची एंड फंकी, यू नो, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उस ट्यून को बनाया है। क्या है वो? Yeah, that one. तो अब आगे बढ़ते हैं एक्चुअल गानों की तरफ। तो एक गाना है भैया बन गई जिंदगी, और भैया जिंदगी बनाने की बात हो रही है तो मैं आपको सिर्फ आपकी गेमिंग स्किल्स के बलबूते पे 50 लाख रुपए तक जीतने का रहस्य बता सकता हूँ। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। जाना चाहते हैं कैसे? प्लेयर स्पॉट ऐप के जरिए। यहाँ के लिए 15 से ज्यादा गेम्स जैसे कि कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टैकी बर्ड्स, स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो और फ्रूट स्लाइस एटसेट्रा। आप रमी गेम में सिर्फ 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते हो। प्लेयर स्पॉट पे रमी खेलने के बहुत फायदे हैं क्योंकि इट्स 100% सिक्योर, इट्स अ मेड इन इंडिया ऐप, 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं इस ऐप के, और इसमें होता है इजी विड्रॉल, और खिलाड़ियों के लिए तो रोज नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। तो आप अगर एक खिलाड़ी हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और फायदा कैसे उठाना है मैं आपको बताता हूँ। आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड जो कि है PLAYS200, और उससे आपको मिलेगा 200 रुपए का साइन अप बोनस, जिससे आप और भी गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि शीप फाइट, एंट मैन, हाउसी, चेस, क्विज एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लेयर स्पॉट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट करो, और उनके गेम्स खेलने पे आपको मिलेंगे 2% विनिंग्स। तो इससे पहले कि आपके 50 लाख रुपए की विनिंग कोई और बाजी मार ले जाए, जाओ डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और महफिल जमा और रमी के टेबल पर। अब गाने की जिंदगी बनाते हैं। जी हाँ, बन गई जिंदगी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग विद ब्यूटीफुल लिरिक्स, और इस गाने के लिरिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। किसने लिखे हैं? मोहित गौर और भुवन बाम हिमसेल्फ, जिन्होंने ये गाना गाया भी है। भुवन बाम ने ही गाया ये गाना, और कॉम्पोजिशन भी इस गाने की बहुत ही फ्रेश है, एक अच्छी सी वाइब है इस गाने की। पट भी मेरी, सब पाने की जिद भी मेरी, जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई हो वैसा, वैसी वाइब है इस गाने की। बरसों से बंद पिंजरे में पंख खुल रहे हैं, अब ख्वाहिश ढीठ बड़ी है, झुकती नहीं है। बन गई जिस मोमेंट पे ये गाना आता है वेब सीरीज में, उस मोमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाने को बनाया गया है। ओवरऑल प्रोडक्शन वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुली डन बाय सौरभ लोखंडे एंड जार्विस मेनेजेस, सो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और दूसरा गाना है दीदी सॉन्ग, विच इज संग बाय टीटू मामा, और क्रेडिट्स में भी टीटू मामा ही लिखा गया है, विच इज ऑब्वियसली नॉट भुवन बाम। भुवन बाम ने थोड़ी गाया है गाना, हमें तो पता ही नहीं है। वेल, इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कंपोजिशन बहुत प्यारी है इस गाने की, इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग विद नॉइस लिरिक्स, यू नो। और इस गाने की एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भुवन बाम ने एक्चुअली इस गाने को एक कैरेक्टर की आवाज में गाया है, टीटू मामा की आवाज में इन्होंने इस गाने को गाया है, और प्रॉपर मतलब एक्सप्रेशंस और इमोशंस के साथ इस गाने को गाया है। दैट्स चैलेंजिंग। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी,
सोचा नहीं था। ये काम करना आसान नहीं है दोस्तों, इट इज टफ टू बी इन अ कैरेक्टर वाइल सिंगिंग। आप किसी कैरेक्टर की आवाज में, आप मेड अप वॉइस में गा रहे हो कोई गाना, उसमें भी इमोशंस और एक्सप्रेशंस लाना, तो बहुत ही अच्छा काम किया है भुवन बाम ने यहाँ पे वोकल्स की तरफ अगर देखा जाए तो। एंड सिंस इट्स अ स्टोरी ड्रिवन सॉन्ग, स्टोरी के साथ चलता है गाना, तो हम इस गाने के लिरिक्स को ज्यादा जज नहीं करेंगे। साजिश विच इज संग बाय ब्यूटीफुल वोकलिस्ट ऑफ इंडिया रेखा भारद्वाज जी, बहुत ही मीठी आवाज है इनकी, और साथ में इनका साथ दिया है भुवन बाम ने जो कि लिरिसिस्ट भी है इस गाने के, और बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन भी है इस गाने की। इट्स अ वेरी नाइस एक्चुअली बॉलीवुड इंस्पायर्ड कॉम्पोजिशन, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है, इंटरेस्टिंग माइनर कॉर्ड्स आर देयर, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छी मेहनत की है इस कॉम्पोजिशन में। टूटा एक तारा, गुम गया है बादलों के पीछे, जाने की हो जैसे उसे जल्दी, क्या पता हो ये भी सितारों के हमको मिलाने के कोई। कॉम्पोजिशन में मेहनत की है, ओरिजिनलिटी है, एंड इट्स नाइसली प्रोड्यूस्ड बाय ओमकार तमहान विद वेरी नाइस सटल अरेंजमेंट्स। बहुत ही अच्छा गाना है, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द एल्बम। और चौथा गाना है टाइटल ट्रैक, जो कि कंपोज किया है स्नेहा खानवालकर ने, जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की कंपोजर है, और ये गाना गाया है द लेजेंडरी कैलाश खेर ने। एंड सिंस दिस सॉन्ग एंड दिस सीरीज इज कॉपीराइट फ्री, तो क्यों ना साथ में देखा जाए इस गाने को। लेट्स रिएक्ट। प्रोडक्शन क्वालिटी इज रियली गुड। ये लोग कौन है? काफी सारे यूट्यूबर्स हैं। नॉइस भैया, कैची तो है गाना। MJ5 नाइस, कैची तो है गाना, गाना कैची है, और यही डिमांड है इस गाने की, तो कर दिया भाई इन्होंने, मस्त बना दिया। प्रोडक्शन क्वालिटी इज टॉप क्लास। ये जो पीछे आ रहे हैं ना मेटल ड्रम्स, जो भी है ये बर्तन से बज रहे हैं जो, टनक सही, क्या मुंह तक दूध की पर लपक के ले लो हिस्सा, चाहे हो कोई भी औदा, ये दुनिया है प्यारी तो प्यारे, अच्छा मत पे लो कोई एरो जाए धोखा, मत पे लो पे लो, लिरिक्स भी सही है। मेटाफर भी नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे, चड्डी या चद्दर, छोटा या बड़ा, सबको तार पे टंगना है। नाइस, एपिक है भाई, एपिक, कैची एंड एपिक। जाकिर मैं बट फ्लाइंग बीस आशीष ट्रिगर्ड इंसान कैरबिनाटी हर्ष बेनीवाल अच्छा भी यूनिक भी है गायत्री भारद्वाज को रत्न जा हर्ष बेनीवाल MJ5 निकुंज लोटिया निश्चय राउंड टू हेल ओ राउंड टू हेल थे वो लोग सेजल कुमार सोनल देवराज तन्मय भट्ट जाकिर खान एंड
बीबी की वाइन्स हिमसेल्फ भुवन बॉम। जी हाँ, और बाकी ये मुझे पता है क्या आने वाला है, वो थैंक यू बोलेगा, मैंने देख रखी है एक्चुअली ये पहले से बट डिटेल में नहीं देखा था, डिटेल में आपके साथ देखा है हेडफोन लगा के। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई देखो, काफ़ी लोग मतलब बेसिकली जज कर रहे होंगे इसके लिरिक्स को कि ये क्या लिरिक्स हैं, गरम धीमी धीमी आंच पे प्याज पकौड़ा, तेज गया तो जल गया थोड़ा। सी, जिस तरह की ये वेब सीरीज है, जिस टोन पे ये वेब सीरीज बनाई गई है, सार्केस्टिक टोन पे बनाई गई है, इट्स जस्ट सिलीनेस ड्रामा और मतलब मसाला, इस तरह की टोन में ये लिरिक्स सूट कर रहे हैं, दे आर परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ टोन। बट ये लिरिक्स अगर आप किसी क्राइम थ्रिलर पे डाल दें, जैसे कि असुर, अब असुर पे आप बोल रहे हैं कि धीमी धीमी आंच पे प्याज पकौड़ा, तेज किया तो भैया जल गया थोड़ा, वहां पर नहीं सूट करेगा ये। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी गाने के पीछे, कोई गाना किस लिए लिखा गया, किसी गाने का एम क्या है, किसी गाने के पीछे कॉन्टेक्स्ट है क्या, किसी गाने के पीछे स्टोरी है क्या, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम ऐसे गानों को जज करते हैं तो। सो या दिस सॉन्ग अकॉर्डिंग टू द वेब सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है गाने का, स्नेहा खानवाल का हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब देयर, और लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड सिंगिंग इज ऑब्वियसली कैलाश खेर, तो लेजेंडरी है भैया, गाने तो अच्छे होंगे ही। सो या ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एल्बम, सारे ही गाने अच्छे हैं, सारे ही गाने क्वालिटी है, अच्छे गाने हैं, सुनने लायक गाने हैं, इट्स एक्चुअली वेरी अंडररेटेड एल्बम। दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई होप यू एक्चुअली लाइक द वीडियो, बाय।